दोस्तों आज के टाइम के अंदर ट्रेडिंग करना एक ट्रेंड बन चुका है और सभी लोग जो है मार्केट में घुस गए हैं और अपने ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद सभी लोगों का सिर्फ एक ही कंप्लेन है कि एक्स्ट्रा चार्ज एंड एक्स्ट्रा चार्ज। सो इसे कैसे अवॉइड करें, इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सो हेलो गाइस, माय नेम इज शाहवेज आलम एंड यू आर वॉचिंग कैसे हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के टाइम मार्केट में इतने ब्रोकर हो गए हैं और सभी ये बोलते हैं जीरो ब्रोकरेज, कोई भी हिडन चार्ज नहीं लेते हैं एंड नो एक्स्ट्रा चार्ज एंड उसके साथ साथ कोई टर्म्स एंड कंडीशन भी नहीं है। लेकिन जब आप वहां पर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं तो आप देखते हैं कि आपके प्रॉफिट से ज्यादा तो आपके जो वहां पर चार्जेस है वो कट जा रहे हैं। मतलब ये हुआ कि कैसे भरोसा करें और किस प्लेटफॉर्म पर भरोसा करें, ये समझना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक दो ऐसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जो ट्रेडिंग आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो मैं इन दोनों को कंपेयर करने वाला हूँ एंड उसके साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे जो है आप अपने एक्स्ट्रा कॉस्ट कटिंग को बचा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चले चलते हैं हमारी लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। तो आप मेरी स्क्रीन पर इस पिक्चर्स को देखकर समझ गए होंगे कि हम जो है यहाँ पर सोने और एम स्टॉक का कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि जो है आपको कौन से प्लेटफॉर्म में एक्चुअल में जीरो ब्रोकरेज प्रोवाइड करता है। तो जब हम बात करते हैं सोने की तो सोने फिनवेशिया ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत ही रिस्पेक्टेड एंड ट्रस्टेबल ब्रोकर है जो 2009 से अपनी सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है। सोने एक्सवाल स्ट्रीट बैंकर द्वारा को फाउंडर किया गया है और यहाँ पर जो है आप NSE, BSE, MCX, NCDX, CDSL और ये जो है SEBI में रजिस्टर्ड है और इसके साथ ही फिनवेशिया एक NBFC भी है यानी कि RBI से NBFC लाइसेंस परमिट किया हुआ है। ऑल्सो एक मल्टी एसेट्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसको आप वेबसाइट पर या फिर डेस्कटॉप पर या फिर मोबाइल से भी जो है बड़े आसानी से कहीं भी और कभी भी यूज करके स्टॉक डिविडेंड्स FNO करेंसीज कमोडिटीज म्यूचुअल फंड्स या फिर जो है आप IPOs और बॉन्ड और ETF में भी जो है आप ट्रेड कर सकते हैं। जब हम बात करें एम स्टॉक की तो जो ये प्लेटफॉर्म है ये जो है 25 साल से जो है एक्सपीरियंस है इसके पास और ये जो है अपनी सर्विस को लगातार प्रोवाइड कर रहा है एंड अराउंड जो है इसके 2.5 लाख कस्टमर है। और वही बात करें हम सोने की तो यह भी जो है 14 सालों से जो है मार्केट में सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है लेकिन इसके पास भी जो है 1.4 लाख कस्टमर है। अगर हम बात करें यहाँ पर ट्रेडर्स की जो एल्गो ट्रेडिंग करते हैं तो उनके लिए सोने ही बना है क्योंकि एम स्टॉक पर जो है आपको एल्गो ट्रेडिंग फिलहाल तो अवेलेबल नहीं है। सोने की एक खास बात है कि यहाँ पर जो इनकी API है वो भी बिल्कुल फ्री है और एज ए अलाउड ट्रेडर प्रेफर करूंगा कि आप जो है सोने बाय फिनवेशिया यूज कर सकते हैं। एम स्टॉक एक बहुत ही फ्यूचर रिच प्लेटफॉर्म है जो कि सुपर फास्ट ऑर्डर आपको प्रोसेस प्रोवाइड करता है विद फुल बैंक ग्रेड सिक्योरिटी के साथ में। यहाँ पर जो है आपको स्टॉक्स जो है और उसके साथ साथ जो है आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शन एंड करेंसी म्यूचुअल फंड IPOs ETF MTF में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे मेन चीज इनके ब्रोकरेज के बारे में। तो शून्य एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बिल्कुल जीरो ब्रोकरेज चार्ज पे ट्रेडिंग करने की फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है। जीरो ब्रोकरेज के साथ साथ जो है इनके अकाउंट ओपनिंग जो चार्जेस है AMC अपफ्रंट चार्ज क्लियरिंग चार्ज भी जो है वो बिल्कुल जीरो है। यहाँ पर जीरो ब्रोकरेज का मतलब जो है आपको जीरो ही है। ऑल्सो इसके लिए आपको कोई भी जो है प्लान वगैरह की जरूरत नहीं है और ब्रोकरेज इज जीरो फॉर ऑल सेगमेंट लाइक आप इक्विटी FNO करेंसी एंड कमोडिटीज एंड एक्सचेंज में जो है आपको जैसे कि NSE, BSE, MCX एंड NCDX जो है विदाउट एनी टर्म्स आपको कंडीशन देखने को मिल जाता है। तो गाइस ये तो बात हो गई यहाँ पर सोने की लेकिन जब हम बात करते हैं एम स्टॉक की तो वन ऑफ द टॉप ब्रोकर्स है यहाँ पर स्टॉक्स में ये जो है आपसे ट्रेडिंग के लिए जीरो ब्रोकरेज चार्ज करने का सिर्फ दावा करता है एंड इसका कहना है कि आपको जो है यहाँ पर कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगता है पर इनके प्लेटफॉर्म में अगर आप जो है अकाउंट ओपन करते हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए ही आपको जो है
999 देना यहाँ पर जो है पड़ जाता है, लेकिन शून्य के अंदर आपको ऐसा कोई भी चार्जेस नहीं लगता है। जी हाँ, जब आप बिल्कुल फ्री में शून्य पर अकाउंट बनाते हैं तो आप जो है बिल्कुल फ्री में ही वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो एमिस्टॉक पर आपको एक ऐसा ही ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, वो जो है आपको 149 में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। लेकिन मेरी मानो तो आपको जो है यहाँ पर कुछ भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो है उसके अंदर जो है आपको 20 रुपए का जो है आपको ब्रोकरेज यहाँ पर देना पड़ता है। और अगर आपको यहाँ पर ब्रोकरेज चार्ज से बचना है तो आपको जो है 999 वाला जो प्लान है वो लेना पड़ेगा, जिसमें जो है आपको ब्रोकरेज फीस जो है जीरो मिल जाती है। बट इतना बड़ा अकाउंट ओपनिंग चार्ज आप क्यों पे कर रहे हैं जब आपको शून्य के अंदर जो है ये बिल्कुल जीरो रुपए में अकाउंट ओपन करा के दे रहे हैं। बस यही नहीं, शून्य पर जो है AMC अपफ्रंट चार्ज, क्लीयरिंग चार्ज, ये भी बिल्कुल आप देख सकते हैं बिल्कुल जीरो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जहां एमिस्टॉक प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाने के लिए आपको इतना बड़ा अमाउंट देना पड़ता है, वहीं शून्य के अंदर ये सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाते हैं। इनकी बस डिपॉजिटरी चार्ज है और वो भी सिर्फ 9 रुपए की है, और दूसरे सारे अगर प्लेटफॉर्म को आप कंपेयर करते हैं तो ये जो है काफ़ी कम है। वहीं डिपॉजिटरी के चार्जेस एमिस्टॉक के ऊपर जो है आपको 12 रुपए प्लस GST देखने को मिल जाएगी। अब हम GST का तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये तो एक गवर्नमेंट के चार्जेस है और ये हर जगह आपको सेम ही मिलने वाले हैं। लेकिन शून्य में प्लेज अनप्लेज का जो 20 रुपीज का आपको चार्ज होता है, आप इसमें ऑप्शन सेलिंग या फिर बाइंग, फ्यूचर्स ट्रेड एसेट्रा, ये सब कर सकते हैं। एमिस्टॉक पर भी प्लेज अनप्लेज का आपको फैसिलिटी मिल जाती है, लेकिन उसके लिए जो है आपको कम से कम यहाँ पर जो प्लान है वो 999 रुपीज वाला जो है प्लान उसको लेना पड़ेगा, और आपको जो है पर रिक्वेस्ट पर 25 रुपीज का चार्ज, और अगर क्वार्टरली प्लान है तो 35 पर रिक्वेस्ट चार्ज आपको पेड करना पड़ेगा। और अगर एमिस्टॉक पर ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज की बात करें तो ये भी जो है आपको 60 रुपीज प्लस GST पर स्प्रिन लगता है, जबकि शून्य के अंदर ये चार्जेस बिल्कुल आपको जीरो देखने को मिल जाएंगे। सो मार्केट के साथ डिटेल्स में कंपेयर करें तो मैंने आपको दिखाया है। अब इसमें आप देखो मार्केट के बाकी ब्रोकर के साथ कंपेरिजन करते हैं तो सोमे को, तो ये हो गया इक्विटी कैश सेगमेंट इंटरडे का चार्ट। यहाँ भी सबके जो ब्रोकरेज चार्ज है वो शून्य से ज्यादा ही है, शून्य बिल्कुल जीरो है, जबकि बाकी प्लेटफॉर्म में अगर हम यहाँ पर देखें तो जीरो था, और यहाँ पर आप दूसरा प्लेटफॉर्म देखेंगे फायर्स में भी 30 रुपीज, और एपिस्टॉक, ग्रो एंड एमपेसा में भी आपको 40 रुपीज जितना जो है चार्जेस लगता है ब्रोकरेज का। ऑल्सो यहाँ देखिए ऑप्शन सेगमेंट और फ्यूचर सेगमेंट का जो चार्ट है, ये सारे ब्रोकर 40 रुपीज ब्रोकरेज ले रहे हैं फ्यूचर सेगमेंट और यहाँ पर ऑप्शन सेगमेंट में, पर शून्य में आपको जो है दोनों में ही जीरो जो है चार्जेस लगते हैं। टोटल ट्रेड कॉस्ट भी जो है आपको शून्य का ही जो है एज कंपेयर टू अदर, आप देख सकते हैं शून्य के जो चार्ज है वो यहाँ पर सबसे कम है, मतलब शून्य से जो बाकी प्लेटफॉर्म है सभी के चार्ज जो है इससे आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ ही जो है आप शून्य पर जो है ट्रेड करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, जिससे जो है आप अपने डैशबोर्ड देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ऑर्डर होल्डिंग, मार्जिन एंड मार्केट टैप्स, एंड ऑल्सो सर्च बार में भी आप अपनी पसंद के सारे स्टॉक्स को यहाँ पर सर्च कर सकते हैं एंड ट्रेड कर सकते हैं। ऑल्सो सबसे बेस्ट बात, आप शून्य बाय फाइनेंशियल ने एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप विद ग्लोबली आई नो फर्स्ट जो कि ऑफर कर रहा है प्रिडिक्शन और सिग्नल्स, यही एक गेम चेंजर है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको 1500 से ज़्यादा जो है स्टॉक्स के मूवमेंट को प्रिडिक्ट करने में हेल्प मिल जाती है, और आपको यहाँ पर तेजी से इन्फॉर्म डिसीजन लेने में भी हेल्प मिलेगी। तो जैसे ही आप इस डैशबोर्ड पर आएंगे तो आपको यहाँ पर सारे टैब्स मिलेंगे, आप AI पिक्स, इंडाइसिस, जब आप जो है AI पिक्स पर टैप करेंगे तो आपको 60 टॉप स्टॉक्स पिक्स दिखा सकता है जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर जो है 1500 सिलेक्टेड स्क्रिप्ट से एनालाइज किया गया है। इसमें जो है आपको स्टॉक्स लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरीज में भी डिवाइड होता है। ऑल्सो AI पिक्स टैब के टॉप राइट कॉर्नर में आप स्टॉक्स मार्केट फोरकास्ट में भी जो है चेक कर सकते हैं स्टॉक्स के लिए। यहाँ पर 6 टाइम फ्रेम, 3 दिन के लिए, 7 डेज, 14 डेज, 1 मंथ, 3 मंथ और 1 ईयर, मतलब कि आप जो है यहाँ पर मिनिमम 3 डेज के लिए 1 साल तक का जो है आपको स्टॉक पोटेंशियल देखने को मिलेगा, कौन सा स्टॉक जो है वो नेक्स्ट 3 डेज में जो है डाउन जा सकता है, या फिर जो है नेक्स्ट 7 डेज या फिर 15 दिन में जो है
1 ईयर टेक आप यहां पर डाटा चेक कर सकते हैं, जिससे जो है आप स्विंग ट्रेडिंग के साथ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ हॉरिजॉन को चेक कर सकते हैं। जब आप इंडाइसेस टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको जो यहां पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की डिटेल्स इंडाइसेस दिख जाएगी। ऑल्सो वन यू क्लिक परफॉर्मेंस तब आप जो है स्टॉक्स की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं जो AI ने आपके लिए पहले ही प्रिडिक्ट किया है। इस टैब पे आपको जो है पता लग जाएगा कि सजेस्ट किए हुए स्टॉक्स में कैसा परफॉर्मेंस किया है आपने रेस्पेक्टेड टाइम फ्रेम में। ऑल्सो यहाँ पर स्टॉक ऑटोमेटिक तरीके से लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप जो कैटेगरी में कैटेगराइज किए जाते हैं। इसके अलावा शून्य जो है अपने यूजर्स को फीचर प्रोवाइड करता है जो कि आप यहां पर हिस्टोरिकल डाटा इजीली एक्सेस कर सकते हैं। यहां पर आपको काफी एडवांस टूल्स एंड फीचर्स भी मिलते हैं जैसे कि ऑप्शन चेन एनालिसिस, ट्रेडिंग व्यू चार्ट, 100+ इंडिकेटर्स, बास्केट ऑर्डर, स्टॉक प्लेडगी फैसिलिटी, टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस एंड एनालिसिस टूल जो एक बिगनर और एडवांस ट्रेडर को दोनों को ही जो है काफी फायदा पहुंचा सकता है। सो गाइज आई गैस आपको वीडियो को जो है देखकर क्लियर हो गया होगा कि आपको जो चॉइस है क्या होनी चाहिए। मैं शोमे को प्रेफर करूंगा बिकॉज मुझे जो उसके फीचर एंड परफॉर्मेंस शून्य ज्यादा बेटर लगी देन एमिस्टॉक। सो गाइस आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, अभी जो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उसको क्लिक करो और ज्वाइन करो जीरो ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए शून्य के साथ। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगी। यूजफुल रही तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो अपने YouTube चैनल पर लेकर आते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, देखते रहिए और सीखते रहिए।